अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मनीला फिलिपाइन में। तो करते हैं साथ में सैर, यहाँ के लोकल खाने और अपना देसी खाना भी खाना है, इंडियन या पाकिस्तानी, भूख लगी है, दोपहर का टाइम है, साथ चलते हैं, साथ रहिएगा, मेहरबानी मेहरबानी। ये यहाँ के मुकामी खाने, मगर हमें तलाश है अपने देसी खाने की, इंडियन हो या पाकिस्तानी, या कोई हलाल खाना कहीं मिल गया तो। बहरहाल ये देखें माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। आगे देखें सामने, ये मुख्तलिफ किस्म के जूस वगैरह। खाने के बाद ये पीना चाहता हूँ मैं, ये नारियल का होता है, अगर खाना नज़दीक कहीं मिला तो वापसी पे यहीं आके ये पीऊँगा। ये होते हैं भाई अब ये कौन खाएगा भाई, ये आप ही खाओ, ज़बरदस्त। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी मुख्तलिफ अकसाम के जूस वगैरह, ये देखें अंगूर वगैरह। ये कोई मछली है शायद, झींगे टाइप है कोई। बहरहाल भाई हमें तलाश है अपने हलाल खाने की, वो देखते हैं, सर्च किया है, एक नसीब में होगा तो खाएंगे। 4 से 5 मिनट का फासला है वहाँ पहुँचने के लिए। माशाल्लाह ये खाना हलाल मिल गया मुझे, ये ताम हलाल बिरयानी, ज़बरदस्त। और ये यहाँ का माहौल देखें ज़रा, ये देखें माशाल्लाह। तो सबसे पहले खाने का आर्डर दें, खाना खाएं। ये जी हमारे लिए बन रही है बिरयानी, अच्छा इसमें अंडा भी आप डालते हैं, ज़बरदस्त हो गया। ऊपर से ग्रेवी डाल दें चिकन की, नहीं बीफ की नहीं डालना, ऑयल कोटाओ, ऑयल कोटाओ। हाँ ये अपना मुसलमान है, इसने खाना दिया, इंडिया का है, ज़बरदस्त माहौल है। ये होते हैं मज़े भाई, ढूंढोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखें हर चीज़ अपनी देसी, अच्छा ये गोलगप्पे वगैरह भी पड़े हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मैंने आपको कहा कि ये इंडिया का है, नहीं ये बांग्लादेश का है, और मैंने इनसे पूछा कि आपको उर्दू कैसे आती है, उसने कहा कि हम जानते हैं उर्दू को, उर्दू बोलते हैं। बहरहाल ये बांग्लादेश के थे, और ये जो लोग खड़े हैं वो भी बांग्लादेश के ही हैं। तो भी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह से
खाना मैंने खा लिया, खाना ज़बरदस्त था। अपना बांग्लादेश का था, बिरयानी नाम से रेस्टोरेंट। तो अच्छा दोस्तों, इस शॉपिंग मॉल का नाम जो है वो है 999 शॉपिंग मॉल। ये मनीला फिलिपाइन में 999 शॉपिंग मॉल बहुत ही बड़ा है, और खाना जो है ऊपर थर्ड फ्लोर पे मिलेगा। बहरहाल ये नीचे हर चीज़ जो है वो आपको सस्ती मिलेगी। जहाँ मेरी रहायश है वहाँ तो इससे चार गुना ज़्यादा कीमत के जो है मांग रहे थे। जो भी चीज़ आप लो, तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे अगर आप 100 पैसों बना पाकिस्तानी 500 पैसों में आप कोई चीज़ लोगे चीज़, वो आपको वहाँ पे 300-400 में मिलेगी। तो इस तरह के जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। ये बहुत ही बड़ा है, देखें ना, बहुत ही बड़ा है। तो अभी तो मैं हूँ मजीद भी यहाँ पे 3-4 दिन, तो इंशाल्लाह जिस दिन वापसी होगी उससे एक दिन पहले यहाँ आएंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। ज़बरदस्त माहौल है भाई। तकरीबन यहाँ पे हर एक फ्लोर पे दुनिया भर की चीज़ें पड़ी है, बच्चों से लेके बड़ों तक हर चीज़। और यहाँ पे तकरीबन आपको दुकानदार जो है ना बांग्लादेश के मिलेंगे, मतलब बंगाल के लोग यहाँ पे बहुत हैं। ज़बरदस्त। ये मैं शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आया, चलते हैं मस्जिद आगे। ये लिखा हुआ है सामने 999 शॉपिंग मॉल। दोस्तों ये है डोरोटियो मेट्रो स्टेशन। ये मैंने यहाँ से कार लिया, ये मुझे पड़ा 20 पैसों माना पाकिस्तानी 100 रुपये में। तो 3-4 स्टाफ छोड़ के मेरा स्टाफ आ जाएगा, तो चलते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, जो शॉपिंग मॉल दिखाया मैंने आपको 999, वो जैसे ही मनीला में आप जाएंगे ना चाइना टाउन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ ही ये 999 शॉपिंग मॉल है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है इनका फासला तकरीबन 10 मिनट का था, मैं यहाँ पहुँच गया। माशाल्लाह पहुंच गए क्वीरिनो मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से बस 10 मिनट के फासले पे है मेरा होटल। चलते हैं नीचे। दोस्तों ये देखें, ये मुकामी केले हैं, छोटे वाले, बिल्कुल छोटे होते हैं। और इनसे जो है ये अपना, ये देखें, ये इस तरह बन जाते हैं ये तेल से, जैसे हमारे यहाँ पकोड़े होते हैं इसी तरह। बहरहाल मैंने काफ़ी मुल्कों में, इंडोनेशिया में, यहाँ अपना थाईलैंड में, कंबोडिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में, काफ़ी जगह इस तरह देखा है, खाया कभी नहीं और नहीं मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे इस आयल पे इत्बार नहीं, तेल पे इत्बार नहीं कि
हराम है या हलाल है, बहरहाल किसी से मालूमात लूँगा कभी तो फिर ये ट्राई करेंगे। चलते हैं मस्जिद आगे, वो नज़र आ गया। मैंने कहा ये दुनिया के काफ़ी ममालिक में नज़र आती है ये चीज़, तो मैं भी आपको दिखाऊँ। अगर किसी से मालूमात पक्की लूँगा कि भाई ये जो ऑयल है, तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरह का है, कौन सा है, तो फिर ट्राई करेंगे कभी। ये देखें जी माशाल्लाह मुकामी फल फ्रूट, ये आम हैं जो 12 महीने दस्तयाब होते हैं यहाँ पे, 12 महीने आपको मिलेंगे। ये उसके साथ ही बराबर में एक बहुत बड़ी फ्रूट की मार्केट अलग से। ये मूंगफलियां मुख्तलिफ तरीक़ों से दे रहे हैं, ये देखें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलग तरीके से वो देते हैं। यहाँ पे ये फ्राई करके दे रहे हैं तेल से। ये एक सुपर मार्केट था तो यहाँ पे मैंने ये पानी की बोतलें भी ली, सही हो गया। ये मुझे पड़ी है 175 रुपये में एक बोतल पानी की, जो हमारे यहाँ तकरीबन 100 में मिलती है, तो मैंने दो ले ली का यहीं से ले लूँ। असल में आप सुपरमार्केट से कोई भी चीज़ लेंगे ना तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर यही मैं 7-Eleven से या कहीं और से लेता तो ये मुझे ज़रा महंगी पड़ती बोतल पानी की। तो ये मामला होते हैं जब भी आप बाहर आएँ कोई सामान लें तो बड़े से सुपर स्टोर से सामान लेंगे तो सही रेट पर मिलेगा। दोस्तों मैं वापस पहुंच गया अपने होटल, तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। शाम का टाइम है, तकरीबन 1.5 घंटा आराम करेंगे, कोई चाय शाय, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।